press the bell icon on the YouTube app and never empower करने की कोशिश करें, उनको convince करने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें और बहुत सारे examples उनके सामने रखने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हमारे भारत में भी प्रिंसेस महारा जो है वो दिख जाएंगी, बिल्कुल दिख जाएंगी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि प्रिंसेस महारा के इस स्टेप और इस डिसीजन की वजह से एक बड़ी बहस तो खुली है जरूर, कि जो महिला अधिकारों को लेकर बात होती है खासतौर से भारत में, क्योंकि भारत एक बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है और यहाँ पर बावजूद इसके कॉन्स्टिट्यूशनली सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन फिर करना चाहूंगी मैंने एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपने मुझसे पूछा ना कि कोई फतवा क्यों नहीं जारी हुआ अभी तक, इंटेंशनली नहीं हो रहा है भारत में भी कोई फतवा या पाकिस्तान में कोई फतवा या अरब में कोई फतवा, इंटेंशनली नहीं हो रहा है, क्योंकि फतवा जारी होगा और प्रिंसेस महारा उस पर रिप्लाई भी देगी, क्योंकि जो लड़की इंस्टाग्राम पर डिवोर्स दे सकती है वो लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे अरब को चैलेंज भी कर सकती है और बेइज्जत भी कर सकती है मुंह पर, और जानबूझ करके इस्लामिक कंट्रीज इस बात। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो सशक्त शिक्षित और बहादुर मुस्लिम बेटियों को, एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया राय खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अंबर आप वेल एडुकेटेड हैं, मैं वेल एडुकेटेड हूँ और ऐसी दो चार लड़कियां हैं जो हमारे टीवी चैनल्स पर नजर आती हैं जो वेल एडुकेटेड है, वो अपनी बात बहुत क्रिस्टल क्लियर रखती हैं, बहुत आराम से रखती हैं। 18 साल 3 महीने की उम्र में मैं विडो हुई, मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी और उस डिसीजन पर मैं आज तक कायम हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है और था भी उस वक्त कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं अपने आप को खुद चला लूंगी और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है मरे हुए काविन का, मैं उसको भी चला दूंगी और मैंने वो करके दिखाया। तो मुसलमान बेटियों को अगर हम लोग और भी उत्साह दें, उनके लिए हम और भी वोकल हो करके उनको एम्पावर करने की कोशिश करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उनके सामने रखने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हमारे भारत में भी प्रिंसेस महारा जो है वो दिख जाएंगी, बिल्कुल दिख जाएंगी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि प्रिंसेस महारा के इस स्टेप और इस डिसीजन की वजह से एक बड़ी बहस तो खुली है जरूर, कि जो महिला अधिकारों को लेकर बात होती है खासतौर से भारत में, क्योंकि भारत एक बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है और यहाँ पर बावजूद इसके कॉन्स्टिट्यूशनली सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन फिर करना चाहूंगी यहाँ पर मैंने एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपने मुझसे पूछा ना कि कोई फतवा क्यों नहीं जारी हुआ अभी तक, इंटेंशनली नहीं हो रहा है भारत में भी कोई फतवा या पाकिस्तान में कोई फतवा या अरब में कोई फतवा, इंटेंशनली नहीं हो रहा है, क्योंकि फतवा जारी होगा और प्रिंसेस महारा उस पर रिप्लाई भी देगी, क्योंकि जो लड़की इंस्टाग्राम पर डिवोर्स दे सकती है वो लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे अरब को चैलेंज भी कर सकती है और बेइज्जत भी कर सकती है मुंह पर, और जानबूझ करके इस्लामिक कंट्रीज इस बात पर आगे कुछ बढ़ना नहीं चाह रहा है, इसलिए क्योंकि जितनी भी इस दुनिया में मुसलमान बेटियां हैं वो कहीं इकट्ठा ना हो जाएं और प्रिंसेस महारा के लिए एक एक फौज ना रेडी हो जाएं। आपको याद होगा अंबर, क्योंकि आप जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव रहती हैं और बहुत इंफॉर्मेशन रखती हैं, ईरान में दो चार लड़कियां जरूर अपनी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी, अपने करियर से हाथ धो बैठी, लेकिन वो दो चार लड़कियों की आवाज की वजह से आज ईरान में जो चेंजेस आए हैं, आज ईरान के का जो तख्ता पलटा है, आज ईरान के मर्दों की जो जुबान खामोश हो गई है, वो सिर्फ दो चार लड़कियों के आवाज की वजह से। तो एग्जैक्टली इसीलिए
अरब कंट्री या कोई भी मुसलमान कंट्री महरा पर कोई टिप्पणी या फतवा जानबूझकर नहीं दे रहा है कि कहीं ये पूरी दुनिया के न्यूज पर ना छा जाए और पूरी दुनिया की मुसलमान लड़कियां इनके सपोर्ट में ना आकर खड़ी हो जाए। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है चाहे फतवा जारी होना हो, लेकिन जो प्रिंसेस मारा का ये स्टेटमेंट है और जो उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया है, इसका असर तो बहुत होने वाला है। और मुझे लगता है कि एक डिबेट जरूर छिड़ी है महिला अधिकारों को लेकर, खासतौर से इस्लाम में जो कहा जाता है कि हालांकि बार बार कही जाती है औरत को तलाक देने का, लेने का, दिलाने का अधिकार है, लेकिन हम सब जानते हैं कि औरत को तलाक देने का अधिकार नहीं है क्योंकि खुला में भी तलाक में अप्रूवल शॉर्ट तो सवाल एक ये है कि प्रिंसेस मारा के इस कदम के बाद से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह है या ये जो कहा जाता है कि इस्लाम में मुदाखलत नहीं, ये वो तो अब तो वो भी एक कलई खुल रही है। बिल्कुल खुल रही है। मुझे कहीं ना कहीं अंबर ऐसा लगता है कि कुरान प्रिंट पहली बार 1939 में हुआ था और उसमें काफी चीजें मिसिंग है। आप देखिए कि इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा न्यूज अरब जैसी कंट्री में हुआ है और मोहम्मद बिन सलमान जी खुश मतलब खामोश है, खुश है कि नहीं नहीं पता, लेकिन खामोश तो जरूर है। और मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बात को उठाया था कि कुरान को री रिसर्च में डालने की जरूरत है, क्योंकि एक इस्लाम मजहब की एक धार्मिक किताब में इतनी वायलेशन नहीं हो सकती है या इतना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेशन को नहीं दर्शाया जा सकता है, कभी नहीं दर्शाया जा सकता है। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला जो है यास्मीन नाम की है, मैं नाम ही ले रही हूँ, हालांकि मेरी माँ का नाम भी यास्मीन है और मैंने लिखवाया हुआ भी है, वो उनकी आपसे भी झड़प हुई थी काफी नेशनल न्यूज़ पर और उनसे मेरी भी झड़प हो गई थी, तो उन्होंने कहा से बहुत नाराज है वो, जब से पिछले 10 सालों से मुझसे नाराज ही रहते हैं, अकड़ के रहती हूँ। 2017 में जजमेंट के वक्त में मैं कूद रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आकर के मुझे बहुत उल्टा पुलटा और मैंने उनको नेशनल न्यूज चैनल पर याद दिलाया कि आपने तब भी मुझे बहुत उल्टा पुलटा बोला था, तो उनसे अभी हाल ही में मेरी झड़प हुई। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर तो उनको मैंने, वो क्या कह रही थी अपनी अपने स्टेटमेंट पे कि क्यों नहीं लड़कियां निकाह के वक्त में ही लिखवा लेती हैं कि ये दे दो वो दे दो। मैंने कहा भैया आप और अवेसी लोग जैसे लोग ही तो कहते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, तो 11 साल की बच्ची को कहां से इतना दिमाग आएगा कि मुझे ये सब दो क्योंकि तुम मुझे तलाक दोगे या दूसरी बीवी लाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, ये 11 साल के बच्चे के दिमाग में कहां से आएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया कि तुम इस्लाम छोड़ दो। अब सवाल यहां पर पैदा आता है कि यास्मीन फारूकी जैसी महिलाएं आज खामोश क्यों है प्रिंसेस मारा पर, आज जुबान नहीं है क्या मुंह पर, आज आप चुप क्यों है? साजिद रशीदी जैसे लोग जो औरतों को कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, कुछ भी बेइज्जत कर देते हैं, नेशनल न्यूज पर बेइज्जत करते हैं, तो आज प्रिंसेस महरा पे आपकी जुबान क्यों खामोश हो चुकी है? मैं ऐसा मानती हूँ कि कुरान को भी री रिसर्च में डालने की जरूरत है, हमारे भारत से शरिया लॉ को हटाने की जरूरत है, हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत नहीं है और किसी भी इंटरफेरेंस जो इस्लामिक इंटरफेरेंस है उसकी भी हमारे भारत को जरूरत नहीं है। और ये एक जिंदा मिसाल प्रिंसेस महरा ने दिया है कि तलाक 3 बार बोल करके सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरत भी दे सकती है, तभी तो अरब खामोश है। बिल्कुल, अगर औरत मर्द के 3 बार तलाक देने से तलाक हो जाती है तो औरत के देने से भी हो जानी चाहिए, क्योंकि बराबरी का अधिकार सबको है। जैसे कि इनफैक्ट औरतों को तो इस्लाम में बहुत बड़ा मुकाम दिया गया है, तो मतलब मुझे लगता है एक ही बार कह देने में हो जानी चाहिए तलाक। खैर, ये एक अहम और बहुत ही गंभीर मुझे लगता है कि एक डिबेट को छेड़ता है प्रिंसेस महरा का ये कदम, और उम्मीद करते हैं कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार मिले जिसके लिए हम लोग काफी लंबे अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड होता हुआ इम्प्लीमेंट हम अपने जीवन में देख लें तो बड़ी बात होगी इस देश के लिए। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन और इनकी दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी, जिसमें आपने देखा इन दोनों मुस्लिम महिलाओं ने ना सिर्फ इस्लाम मजहब की जो कुप्रथाएं और कुनीतियां उनको एक्सपोज किया बल्कि ट्रिपल तलाक के बारे में भी बात की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो मिस कर दिया था तो आप जाके उसे भी जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, पर एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।